नमस्ते इंडिया। नई नई स्लीपर पहनने से या तो फिर जूते पहनने से कभी कभी पैरों में छाले पड़ जाते हैं, या तो फिर मौसम में सबसे ज़्यादा नमी हो जाती है तो उसके कांटेक्ट में आने से भी कभी कभी पैरों में छाले पड़ सकते हैं। देखिए, ये छाले जो है वो तो कोई भी मौसम में पड़ सकते हैं, मगर ख़ास तौर पर जब गर्मी और बारिश का सीज़न होता है तो वो पैरों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। छालों का इलाज हम घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्किन का जो इलाज होता है वो घरेलू उपाय सबसे अच्छा माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके हाथ पे या तो फिर पैरों में छाले पड़ गए हैं तो आप उसको कैसे घरेलू नुस्खे अपनाकर कैसे उसको ठीक कर सकते हो। एलोवेरा के अंदर जो गुण होते हैं वो छालों में पड़ने वाले सूजन को कम करने में मदद करता है। तो आप एलोवेरा का जेल लेकर अपने छालों के ऊपर लगा सकते हो। उसको लगाने पर आपको कभी कभी जलन या तो फिर खुजली भी हो सकती है। जब भी ये एलोवेरा जेल जो है वो एक बारी सूख जाए, फिर उसको गर्म पानी से अच्छे से धो लेना है। छालों को कम करने के लिए आप इसको लगभग दिन में 2 बार लगा सकते हो। ग्रीन टी जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर होती है, जो कि दर्द को कम करने में मदद करती है। ख़ास तौर पर जब छालों में सूजन पड़ जाती है तो इस पर ग्रीन टी बहुत ही काम आ सकती है। आप ऐसा कर सकते हो कि ग्रीन टी का जो बैग है उसको गर्म पानी में डुबाकर उसके अंदर आपको बेकिंग सोडा भी डालना है पानी के अंदर। जब भी ये ग्रीन टी का जो बैग है वो ठंडा हो जाए, उसके बाद आप अपने छाले पर ये ग्रीन टी का बैग लगा सकते हो। बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसको दिन में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हो। इससे डेफिनेटली आपके छाले पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। बेकिंग सोडा आपको इसलिए डालना है क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि इन्फेक्शन का खतरा टाल देते हैं। इसलिए बेकिंग सोडा खास तौर पर अगर आप ये नुस्खा यूज़ करते हो तो बेकिंग सोडा आपको ज़रूर डालना चाहिए। छालों के इलाज के लिए सबसे बेहतर जो रिजल्ट माना जाता है वो है सेब का सिरका, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। देखिए, एक तो सेब का जो सिरका होता है वो दर्द और सूजन में दोनों पर काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं वो दर्द को तो कम करता ही है, साथ ही में जो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है उसको भी वहीं पर रोक देता है। आप एक कॉटन यानी कि रुई की मदद से आप एक सेब के सिरके को अपने जो छाले हैं उसके ऊपर आप लगा सकते हो। हालांकि आपको थोड़ा सा दर्द और जलन भी हो सकती है। आप ये जो सेब का सिरका है उसके अंदर प्याज का पेस्ट यानी कि घिसा हुआ प्याज भी डालकर अपने छालों पर लगा सकते हो। सूखने पर उसको साफ पानी से अच्छे से धो सकते हो। इससे भी बहुत ही जल्दी फर्क पड़ता है। जिन लोगों को बहुत घने बालों की चाहत होती है उनके लिए जो कैस्टर ऑयल होता है वो किसी वरदान से कम नहीं है। कैस्टर ऑयल बहुत तरह से फ़ायदा देता है। फटे हुए होठों पर भी काम कर सकता है और अब तो छालों पर भी लगाया जा रहा है। जब छाले पड़ते हैं तब आप मॉइस्चराइज़र की तरह आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, कि जो सूखने पर जो खुजली और जलन होती है और जो ड्राइनेस होती है उससे बचा जा सके। ख़ास तौर पर जब ये कैस्टर ऑयल रात में लगाया जाए तो वो बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। इसलिए आपको रात भर कैस्टर ऑयल को अपने छाले पर लगाकर सो जाना है। आप चाहे तो उसके अंदर सेब का सिरका भी ऐड कर सकते हो। बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसको दिन में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हो। आपको लगता होगा कि पेट्रोलियम जेली जो होती है वो सिर्फ फटे होठों के लिए ही होती है, मगर आपको बता दें कि छालों को दूर करने में भी पेट्रोलियम जेली किसी से कम नहीं है। जो पेट्रोलियम जेली है वो दर्द को दूर करने में और ड्राइनेस को भी दूर करने में बहुत ही मदद करती है। पैरों को लगभग दिन में 2 बार 15 मिनट तक गर्म पानी में डुबाकर रखिए, फिर उसको अच्छे से साफ तौलिए से साफ कर लें। यानी कि आपको जहाँ पर छाले पड़ गए, अगर हाथ में पड़ा हो तो हाथ को इस तरह से गर्म पानी में डुबाकर रखना है, फिर उसके ऊपर तुरंत पेट्रोलियम जेली आपको अप्लाई कर देनी है। जहाँ पर एक तरफ गर्म पानी जो है वो दर्द को कम करने में मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम जेली है वो मॉइस्चराइज करने का काम करता है। नमक जो है वो भी छालों से होने वाले दर्द को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। आप ठंडे पानी के अंदर नमक डाल के उसके अंदर तौलिया भिगोकर इस तौलिये से आप छाले वाली जगह पर सिकाई भी कर सकते हैं। आप गर्म पानी में भी नमक डालकर इससे सिकाई कर सकते हो। इससे दर्द और सूजन में राहत मिलेगी।